रेखा बचपन से ही हर काम के लिए अपनी बड़ी बहन मंजू के ऊपर आश्रित रहती थी। मंजू की शादी होने वाली थी। एक दिन, अभी तक मैं तुम्हारे कपड़े संभाल लिया करती थी, मैं तो कुछ ही दिनों में चली जाऊंगी, तब तुम्हें माँ के साथ सब काम भी करना होगा और अपने कपड़ों और अलमारी का भी ध्यान रखना होगा। ठीक है, तब की तब देखी जाएगी, जब तक तुम हो मैं क्यों अपना सर खपाऊं? मंजू की आंखें भर आई प्यार से, उसके गाल थपथपाते हुए, तुम मेरे प्यार का बहुत फायदा उठाती हो रेखा, ससुराल जाओगी तो कैसे करोगी सब कुछ? अभी ससुराल जाने में बहुत समय है, पहले तुम तो जाओ। मंजू की शादी के बाद रेखा बहुत रोई, एक तो उसके जाने का गम, दूसरे काम का बोझ। एक हफ्ते बाद, माँ मुझसे इतने काम नहीं होते, कोई जरूरत नहीं है सारे काम खुद करने की, कोई काम वाली रख लो ना, मुझे कॉलेज का बहुत काम करना पड़ता है। अभी तक मंजू थी तो काम की सारी जिम्मेदारी संभाले हुए थी, उसके जाते ही काम वाली रख लूं? नहीं, तुमसे नहीं होता तो रहने दो, मैं खुद ही कर लूंगी। धीरे धीरे रेखा ने साइकोलॉजी में मास्टर्स कर लिया। उसकी शादी की बात घर में चलने लगी थी। शादी होकर ससुराल आई तो घर में एक ननद रीनी और देवर विजय भी थे। बहू के आने पर सास को उम्मीद थी कि बहू रसोई और घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल लेगी। रेखा ने आकर सारी जिम्मेदारियां संभाल भी ली थी। अपनी सास के आगे पीछे घूमती रहती, माँ जी लाइए आपके बालों में कलर लगा दूं, कितनी अच्छी लगेंगी आप। अरे नहीं बहू, इस बुढ़ापे में क्या सजना सवरना। लेकिन रेखा ने जबरदस्ती उनके बाल कलर कर दिए। रीनी को भी खूब प्यार करती थी वो, विजय के साथ भी खूब गपशप करती थी। भाभी मुझे ये स्टैटिक्स जरा समझा देंगी? हाँ हाँ क्यों नहीं, ये तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। शादी को 3 महीने ही हुए थे, रविवार के दिन सब ने घूमने का प्रोग्राम बनाया। भैया आज बोटिंग पर चलते हैं। गुड आइडिया, बहुत मजा आएगा। सब बोटिंग के लिए गए, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। अचानक नाव का बैलेंस बिगड़ गया और अजय जो कि किनारे पर ही बैठा था पानी में गिर गया। विजय पानी में कूद गया पर थोड़ी देर बाद ही खाली हाथ वापस आ गया। किनारे पर आकर जाल भी डाला गया पर अजय का पता ही नहीं चला। पूरा परिवार सदमे में आ गया। मैं रेखा के माँ बाप को क्या मुंह दिखाऊंगी, मेरा लाल कहाँ चला गया। कहते कहते वो बेहोश हो जाती हैं। सारे रिश्तेदार जो कुछ दिनों पहले शादी में आए थे अब मातम के लिए आ रहे थे। रेखा तो बिल्कुल मूक हो गई थी। परसों की रात ही तो उसे पता चला था कि वो माँ बनने वाली है। अपने होने वाले बच्चे को लेकर उन दोनों ने उस रात कितने सपने सजा डाले थे। उसके मम्मी पापा और मंजू दीदी भी आए थे पर कोई उसको रुला नहीं पाया। रेखा तुम माँ के साथ चली चलो। नहीं दीदी मुझे कहीं नहीं जाना है। मम्मी पापा और दीदी वापस चले गए। मैं बोटिंग की बात ना करती तो भैया को कुछ ना होता। दूसरे दिन गांव से अजय की ताई जी आई। अजय की माँ, बहू से कहो उसकी चूड़ियाँ तोड़नी होगी और मांग का सिंदूर भी मिटाना होगा। रेखा चुपचाप सारे कर्मकांड करवाती रही, आंखों से आंसुओं का एक कतरा भी नहीं गिरा। उसको किसी तरह रुलाओ वरना ये सदमा इसके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। ताई जी उनकी जिंदगी में सब कुछ खत्म हो गया है, इससे खतरनाक और क्या हो सकता है। बेटा हमने भी वैधव्य का जीवन गुजारा है पर ऐसे चुप थोड़ी ना हो गई थी। मैं तो सिर्फ 16 साल की थी जब तुम्हारे ताऊ जी खत्म हो गए थे। तभी अजय के मम्मी पापा आ गए। विजय जरा हमारे साथ आ। क्या बात है पापा? विजय रेखा के पापा का फोन आया था, वो कह रहे थे कि रेखा को ले जाना चाहते हैं। पापा भाभी को भेज दीजिए, उनके लिए अभी यही ठीक रहेगा। विजय मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए पापा। विजय मैं चाहता हूँ कि तुम रेखा से शादी कर लो बेटा, घर की इज्जत घर में ही रह जाएगी। पापा ऐसा कैसे हो सकता है, आप लोगों ने ही मेरी शादी नीलू से तय की थी, मैं तो नीलू से ही शादी करना चाहता हूँ, मैंने भाभी को कभी उस नजर से नहीं देखा। विजय ये हमारी बदनसीबी है कि नीलू को हम अपनी बहू नहीं बना सकते। अजय का बच्चा रेखा की कोख में पल रहा है, ऐसा ना होता तो उसकी दूसरी जगह भी शादी हो सकती थी, पर हम अजय की आखिरी निशानी कैसे छोड़ सकते हैं। माँ तुम लोगों ने मुझसे मेरी जिंदगी ही मांग ली, मैं क्या कह सकता हूँ। ये कहकर वो तुरंत घर से निकलकर सीधा नीलू के घर पहुँच गया। विजय
भाभी कैसी है? बहुत बड़ी अनहोनी हो गई उनके साथ, कैसे काटेंगी अपनी जिंदगी। नीलू, अजय के जाने के बाद अब हमारी जिंदगी पर भी ग्रहण लग गया। मतलब? भाभी अजय के बच्चे की माँ बनने वाली है, इसीलिए मुझे उनसे शादी करनी होगी। लेकिन विजय, मेरा क्या होगा? मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा हूँ, ये बलिदान तो देना ही पड़ेगा। अगर हमारी शादी हो गई होती तब क्या होता? ऐसे तो अजय को कुछ नहीं होता, तब क्या होता? अभी सामने जो परिस्थितियाँ हैं उनके बारे में बात करो, तुम्हें कोई अच्छा जीवन साथी मिल जाएगा। तुम जाओ विजय, मेरी चिंता मत करो, मुझे जो करना है मैं कर लूंगी। विजय घर वापस आकर, माँ पापा आप जैसा चाहते हैं मैं वैसा ही करूँगा, पर नीलू को भूलने में समय लगेगा, इसलिए मुझे कोई दोष मत दीजिएगा। मैं रेखा के माता पिता को समझाने की कोशिश करूँगा कि वो अभी बहू को उसके हाल पर ही छोड़ दें। एक महीने बाद, माँ इस शादी में कोई शोर शराबा नहीं होना चाहिए, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, हम बहुत ही साधारण ढंग से आर्य समाज मंदिर में शादी कर लेंगे। रेखा के माता पिता की उपस्थिति में रेखा विजय के साथ परिणय सूत्र में बंध गई। अपने बच्चे के बारे में सोचकर रेखा ने कुछ नहीं कहा। शादी के बाद, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो। जब तक तुम मानसिक रूप से पूरी तरह तैयार नहीं हो जाती तब तक हम एक दूसरे के दोस्त बनकर रहेंगे। विजय तुम बहुत महान हो, ये कहते कहते रेखा की आंखों से गंगा जमुना बह निकली। अजय के माता पिता ने अपने बेटे का गम भुलाकर अपनी विधवा बहू का जीवन सुधारने का अत्यंत सराहनीय कदम उठा लिया था। सुमी ने तो अपने होने वाले पति को देखा भी नहीं था। जब से भाई को जेल हो गई थी तब से माँ बहुत परेशान थी। भाई को छुड़ाने के लिए 2 लाख रुपए चाहिए थे, तभी अजय की माँ अपने बेटे का रिश्ता लेकर आ गई थी। आनन फानन में शादी हो गई। चेहरे पर घूंघट होने से उसने पति की शक्ल भी नहीं देखी थी। सुमी अपने ससुराल में आई तो वहाँ का वैभव और ऐश्वर्य देखकर हैरान हो गई थी। उसे सजे धजे कमरे में लाकर बिठा दिया गया। हेलो हेलो, तुम्हें पता है ना तुम सिर्फ मेरी हो। ये कहते हुए वो एक ही छलांग में बिस्तर पर आ गया और उछल उछल कर गुदगुदे बिस्तर पर कूदने लगा। कितना मजेदार है ना ये बिस्तर। उसके होठों से लार बह रही थी जिसे वो बार बार अपनी कमीज में पोंछ ले रहा था। सुमी डर कर बिस्तर से उछल कर नीचे खड़ी हो गई। उसके माथे पर पसीना छल छल आ गया। तुम कौन हो, निकलो यहाँ से। अरे मम्मी ने कहा कि तुम मेरी दुल्हन हो। क्या, मेरी शादी तुमसे हुई है? और क्या, तुमने देखा नहीं था क्या मुझे? सुमी तुरंत कमरे से बाहर आ गई। सामने ही सास रूपा खड़ी थी। ये क्या मजाक है, आपने मेरी शादी अपने पागल बेटे से करवा दी। शांत हो जाओ, मैंने तुम्हारी माँ को सब कुछ बता कर ही ये शादी की थी, किसी को धोखा नहीं दिया मैंने। मैं यहाँ एक पल नहीं रह सकती, मैं अभी जा रही हूँ। चली जाना सुबह तक, इस वक्त जाना ठीक नहीं होगा। मैं उस कमरे में नहीं सोऊंगी। सुमी ये पहले ऐसा नहीं था, एक बार हमारी गाड़ी किसी पेड़ से टकरा गई, उसमें मेरे पति की तो जान ही चली गई और इसके सिर में चोट लगी। मुझे और रंजीत को हल्की फुल्की चोट ही लगी थी, ये तब से ऐसा हो गया। डॉक्टर ने कहा था कि शादी के बाद ये ठीक भी हो सकता है, इसीलिए मैंने ये कदम उठाया। मम्मी देखो ना, ये मेरे साथ खेल भी नहीं रही है। तुम जाकर सो जाओ अभी, वो थक गई है ना इसीलिए गेस्ट रूम में सो गई। ठीक है मम्मी, आप मेरे पास सो जाना। ठीक है तुम जाओ, मैं आती हूँ। आओ तुम गेस्ट रूम में जाकर सो जाओ। सुमी चुपचाप उनके पीछे गेस्ट रूम में चली गई। बिस्तर पर लेटकर अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहाती रही। कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह नींद खुली तो कमरे से बाहर निकल कर आई। मैं जा रही हूँ। बाहर गाड़ी खड़ी है, जाओ। सुमी जाकर गाड़ी में बैठ गई। अपने घर पहुँची तो देखा उसका भाई तख्त पर बैठा है। तुम कब आए? जब तुम गई। तुम इतनी सुबह सुबह। माँ क्या मुझे अपने घर भी टाइम देकर आना होगा? माँ 2 लाख रुपए कहाँ से मिले? ओह अब मैं समझी, अपने इस लाडले बेटे को छुड़ाने के लिए तुमने मेरी शादी उस पागल से करा दी। ठीक है माँ, मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया।
इतना कहकर वो बिना रुके वापस आ गई। घर आते ही आ गई। जी हाँ आ गई, ये कहते हुए वो अपने कमरे में चली गई। तुम आ गए, चलो अब हम खूब खेलेंगे। तुम आज मेरे साथ खेलोगी ना, बोलो। हाँ, जिनके पास दिमाग है उन्होंने मुझे अपने स्वार्थ के लिए बलि चढ़ा दी, उनसे अच्छे तो तुम ही हो। चलो फिर बाहर चलकर नाश्ता कर लेते हैं। वो उसका हाथ पकड़कर बाहर ले आया। अजय का भाई कहता है, अरे अजय का हाथ छोड़ दो, लग जाएगी ना। नहीं छोड़ता तुमसे, करते तुम बहुत गंदे हो। अजय नाश्ता कर लो। चलो हम नाश्ता कर लेते हैं। डाइनिंग टेबल पर सुमी उसके बगल में बैठ गई। अजय कुछ खाता तो कुछ गिराता। भाई ठीक से खाओ, सब गंदगी फैला रहे हो आप। मैं साफ कर दूंगी, तुम खा लो। उसने नैपकिन से उसका मुंह पोंछ दिया। नाश्ते के बाद, आपने मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की? तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब तुम्हारी माँ से मिल गया होगा। आपने 2 लाख रुपए का लालच दिखाकर मेरी मजबूर माँ से मुझे खरीद लिया। हाँ मैंने तुम्हें खरीद लिया, तुम जाना चाहो तो जा सकती हो अपने घर। मैं कहीं नहीं जाऊंगी जब तक आपके 2 लाख रुपए की कीमत न चुका दूं। सुमी दिन रात अजय के पीछे छाया बनकर घूमती रहती। फिर एक दिन, गरीब घर की लड़की लाई हूँ, इतना सुख कहाँ नसीब हुआ होगा उसे, अजय का पूरा ख्याल रखती है। देखिए अगर मैं चाहूँ तो आज आपका ये वैभव छोड़कर चली जाऊँ। आज के बाद अगर कभी मैंने इस तरह की बातें सुनी तो मैं तुरंत यहाँ से चली जाऊंगी। उसके बाद रूपा का फोन आता है तो वो अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेती है। फिर एक दिन, चलो ना मेरे साथ खेलो। चलो चलो ना, मैं छुप जाऊंगा, तुम मुझे ढूंढना, लेकिन ना तुम्हें अपनी आंखों पर ना बट्टी बांधनी पड़ेगी। अजय ने झट से उसका दुपट्टा ले लिया और बोला, मैं तुम्हारी आंखों पर बांधूं? अच्छा लो तुम ही बांधो। अजय ने उसकी आंखों पर दुपट्टा बांध दिया। वो उसको ढूंढने लगी। थोड़ी ही देर में वो, पकड़ लिया पकड़ लिया। जैसे ही उसने दुपट्टा हटाया तो रंजीत मुस्कुराते हुए उसके सामने खड़ा था। वाह क्या किस्मत पाई है भाई ने, कितनी खूबसूरत हो तुम। सुमी गुस्से से उसका हाथ झटक कर, अजय अजय कहाँ हो तुम? उसने देखा कि अजय पेड़ की ओट में आंखें नीचे बैठा हुआ था। सुमी ने उसे उठाया और बोली, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? रंजीत ने मुझे मारा। रंजीत, तुमने अजय पर हाथ क्यों उठाया? तुम्हें शर्म नहीं आती? वो मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था। वो अजय का हाथ पकड़कर गुस्से में अजय को लेकर अपने कमरे चली गई। रात हुई तो रंजीत उनके कमरे में आकर, सुमी मुझे माफ कर दो, मुझे गुस्सा आ गया था। अजय उसको देखते हुए सुमी के पीछे छुप गया। तुम्हें मुझसे नहीं अपने भाई से माफी मांगनी चाहिए। भाई मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाऊंगा। आइसक्रीम के नाम पर वो उछलते हुए सामने आ गया। सुबह चलेंगे, अभी तुम सो जाओ। अरे यार मम्मी अभी बाहर गई है, शायद आज वहीं रुकना पड़े। सुमी ने उसका हाथ झटक दिया लेकिन उसने जबरदस्ती उसको अपने पास खींच लिया। तब तक अजय ने पास पड़े फूलदान से उसके सर पर दे मारा। अचानक चोट लगने से रंजीत गिर गया, खून भी बहुत बह रहा था। सुमी उसको उठा रही थी तभी रूपा आ गई। क्या हुआ इसे, किसने मारा? अभी पुलिस को बुलाती हूँ, नंबर डायल कर दिया था। अजय ने जब सारी बातें बताई तो उनका खून सूख गया। तब तक पुलिस भी आ गई, सबूत सामने था। अजय को हथकड़ी लगा दी गई। तभी, मैंने मारा है, आप इस बेगुनाह को छोड़ दीजिए। सुमी तुम क्या कह रही हो? शायद 2 लाख का हिसाब चुकाने का मौका इससे अच्छा नहीं मिल सकता। आपके स्वार्थ ने आपके खानदान के एक लौते चिराग को भी बुझा दिया, आपका क्या होगा ये सोच लीजिए। चलो मैडम देर हो रही है, चलो। रूपा के पास कुछ भी नहीं रह गया था सिवाय आंसुओं के।